मैजिकल थ्री हेडेड जॉइंट स्नेक हाउस। धरती से बहुत दूर नागलोक बसा हुआ था। नागलोक में बहुत सारे नाग रहा करते थे। वहाँ और भी जादुई जीव रहते थे। उस नागलोक पर एक बहुत ही शक्तिशाली रानी नागिन राज करती थी। वही नागलोक में काला नाग कहकर एक बहुत ही खतरनाक नाग रहता था। काला नाग रानी नागिन से बहुत जलता था। वो रानी नागिन की शक्तियाँ छीनना चाहता था। अगर मुझे नागलोक का राजा बनना है तो मुझे रानी को मार कर उसकी सारी शक्तियाँ छीननी होगी। काला नाग ऐसे बोल ही रहा था कि वहीं उसका एक चेला वहाँ आकर, मैंने आपका संदेश महाकाल जादूगर तक पहुँचा दिया है। महाकाल ने आपको उससे मिलने के लिए पाताल लोक बुलाया है। महाकाल अंधेरी दुनिया का एक बहुत ही खतरनाक शैतानी जादूगर था। पाताल लोक पर सिर्फ उसी का ही राज चलता था। पाताल लोक का हर जीव महाकाल से डरता था। मैं नागलोक की रानी की शक्तियाँ छीनने में तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरे लिए रानी नागिन की जादुई नागमणि लानी पड़ेगी, जिसे उसने कहीं छुपा कर रखा हुआ है। उस नागमणि की शक्ति से मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊँगा। आपका काम हो जाएगा, बस उस रानी की शक्तियाँ छीन कर एक बार मैं नागलोक का राजा बन जाऊँ। महाकाल जादूगर पाताल लोक एक खतरनाक दानव को रानी को मारने के लिए भेजता है। उसके साथ वो काला नाग भी होता है। वो नागलोक में तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। नागलोक में एक गुप्त जगह पर बहुत सारे शक्तिशाली नाग और रानी नागिन उस दानव और काले नाग को नष्ट करने की योजना बना रहे थे। हम काले नाग को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन पाताल लोक का वो दानव बहुत खतरनाक है। हम उसे नहीं मार पाएंगे। हमें उस दानव को तबाही मचाने से रोकने के लिए कुछ करना पड़ेगा। रानी नागिन की बात सुनकर एक नाग योद्धा, हम उस पाताल लोक के दानव को मार तो नहीं सकते, लेकिन अगर हम सब अपनी शक्तियाँ मिला दें तो हम उसे कैद तो कर सकते हैं। वैसे वहाँ खड़े सारे नाग और रानी अपनी सारी शक्तियाँ मिलाकर एक मंत्र बोला और एक बहुत ही शक्तिशाली डायमंड बनाया। ये डायमंड हम सबकी शक्तियों से मिलाकर बना है। इसकी शक्ति से हम उस दानव को इसके अंदर कैद कर सकते हैं। रानी नागिन और वो नाग वहाँ जाकर उस काला नाग को नष्ट कर देते हैं और उस दानव पर डायमंड की शक्ति इस्तेमाल करने लगते हैं। और देखते ही देखते वो दानव उस डायमंड के अंदर चला जाता है और उसके अंदर कैद हो जाता है। पाताल लोक के उस दानव को कैद करने के बाद रानी ने अपने एक योद्धा को अपने पास बुलाया। उस दानव को बहुत से मुश्किलों से इस डायमंड में कैद किया है और मैं नहीं चाहती कि वो दोबारा आजाद हो जाए और फिर से नाग लोक में तबाही मचाए। तुम इसे धरती लोक पर हमारे गुप्त स्नेक हाउस में ले जाओ, वहाँ इसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। वो योद्धा नागलोक से उड़कर चला गया और वो योद्धा धरती पर एक टापू पर पहुंचा और उस योद्धा ने एक मंत्र बोला। वहीं एक बहुत बड़ा तीन सर वाला सोने के रंग का स्नेक हाउस प्रकट हुआ और योद्धा के हाथ से वो डायमंड उड़कर उस स्नेक हाउस के अंदर चला गया। बाद में वो योद्धा वहां से उड़कर चला गया। उस टापू से बहुत दूर बसंतपुर नाम का गाँव था। एक दिन गांव में मगन नाम का मछुआरा और उसके बेटे पिंटू ने मिलकर एक नाव बनाई हुई थी। वहीं पिंटू का एक दोस्त चंदू उनके घर आया। मैं और पिताजी इस नाव पर समंदर में मछलियां पकड़ने जा रहे हैं, अगर तुमने आना है तो तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। वो उस नाव को समंदर में ले आते हैं। ऐसे कुछ ही देर बाद वो अपने गाँव से बहुत दूर निकल आए। वहीं देखते ही देखते वहाँ का मौसम बिगड़ने लगा और वहाँ बहुत तेज तूफान आ गया और उनकी वो नाव पानी में पलट गई। बाद में वो तीनों एक टापू पर प्रकट हुए। वहीं उनकी नजर एक बहुत बड़े तीन सर वाले सोने के स्नेक हाउस पर पड़ती है। ये देखकर वो बहुत आश्चर्य होते हैं। हमारी नाव तो समंदर में डूब गई थी, हम यहाँ कैसे पहुंच गए? और ये इतना बड़ा तीन सरों वाला स्नेक हाउस भी है। मुझे तो ये स्नेक हाउस बहुत खतरनाक लग रहा है। अब हम अपने घर वापस कैसे जाएंगे? पहले इस स्नेक हाउस के अंदर जाकर देखते हैं, क्या पता हमें इसके अंदर कुछ मिल जाए जिससे हम अपने घर वापस जा पाएं। वो ऐसे बोल ही रहे थे कि उस स्नेक हाउस के अंदर से
एक उड़ता हुआ एक नाग बाहर आता है और वहाँ आकर उन तीनों पर अपनी शक्ति इस्तेमाल करता है और वह तीनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। बाद में वो तीनों अपने घर में प्रकट होते हैं। मैजिकल सुपर जायंट काउ ट्रेन रेस्क्यू। बहुत दूर समंदर के बीच में कुछ लुटेरे एक गुप्त छुपे हुए खजाने को ढूंढ रहे थे। ऐसे एक लुटेरा, वो नक्शा मुझे मिला था, इसका मतलब है कि वो उस गुप्त टापू पर छुपे हुए खजाने में से सबसे ज्यादा हिस्सा मैं लूंगा। जैसा तुम्हारे नक्शे में लिखा था, ऐसा सच में कोई टापू नहीं है। अगर टापू होता तो अभी तक हमें मिल जाता। मैं तो कहता हूँ उस खजाने को छोड़ो, वापस गाँव चलो। अगर तुम्हें वापस गाँव जाना है तो जाओ, लेकिन मैं वापस नहीं जाऊँगा। मैं उस गुप्त टापू को ढूंढ कर ही रहूँगा। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन हम दोनों गाँव वापस जा रहे हैं। तुम छोटी वाली नाव लो और खुद अकेले उस टापू को ढूंढो। वैसे वो एक लुटेरा छोटी नाव लेके समंदर में आगे जाने लगा और बाकी लुटेरे बड़ी नाव लेकर वापस अपने गाँव की तरफ निकल पड़े। वो ऐसे जा ही रहे थे कि अचानक समंदर में बहुत ही खतरनाक तूफान आ गया और बड़ी नाव समंदर में पलट गई और वो लुटेरे भी डूब गए। लेकिन उस लुटेरे की वो छोटी नाव समंदर में नहीं डूबी और वो तूफान में भी आगे बढ़ता रहा। ऐसे बहुत दिन गुजर गए और वो लुटेरा समंदर में बहुत आगे निकल आया था। वहीं उस लुटेरे को दूर से एक टापू नजर आने लगा। मुझे लगता है ये वही टापू है जिसकी मुझे तलाश थी। अब इस टापू पर जाके उस गुप्त खजाने को ढूंढता हूँ। अगर वो मुझे मिल गया तो मैं एकदम माला माल बन जाऊंगा। वैसे वो लुटेरा अपनी नाव से उस टापू की तरफ जाने लगा। जब वो लुटेरा उस टापू पर पहुंचता है तो देखता है कि उस टापू पर एक बहुत विशाल खोपड़ी पड़ी हुई है और उसके सामने एक सोने के रंग का तालाब बना हुआ है। वो लुटेरा ये देखकर बहुत आश्चर्य होता है। ये कैसा अजीब टापू है, यहाँ इतनी विशाल खोपड़ी कैसे आई और यहाँ ये अजीब से रंग का तालाब कैसा है। इस तालाब के अंदर कुछ फेंक के देखता हूँ, अगर कुछ खतरा हुआ तो मैं यहाँ से तुरंत भाग जाऊंगा। वैसे वो लुटेरा एक पत्थर उठाकर उस तालाब के अंदर फेंकता है। बस वो पत्थर उस तालाब में जाते ही आकार में बड़ा बन जाता है। ये देखकर वो लुटेरा, ये तालाब मुझे जादुई लगता है, इसमें जो चीज डालूं वो आकार में बड़ी हो जाती है। जाके इस तालाब में से पानी की एक बोतल में भर लेता हूँ और पानी इसका इस्तेमाल करके थोड़े से सोने को डबल कर सकता हूँ और बहुत पैसा कमा सकता हूँ। वैसे वो लुटेरा उस तालाब से एक बोतल में पानी भर लेता है। अब मजा आएगा, इस पानी को अपने गांव ले जाऊंगा और सोने को डबल करके बहुत पैसा बनाऊंगा। बाद में वो लुटेरा उस टापू से पानी लेकर अपनी नाव से गांव की तरफ निकल पड़ता है। वो ऐसे समंदर में कुछ ही दूर पहुंचता है कि वहां समंदर में एक बहुत बड़ी शार्क आई और उस लुटेरे की नाव को समंदर में पलट दिया और वो लुटेरा डूब गया। एक गांव में पिंटू नाम का लड़का अपनी गाय को समंदर के पास घुमा रहा था। वैसे उसकी नजर समंदर में बहकर आई एक बोतल पर पड़ती है जिसके अंदर सोने के रंग का पानी था जो बहुत चमक रहा था। पिंटू उस बोतल को उठाने के लिए जाता है। उससे पहले उसकी गाय उस बोतल के पास पहुंचकर उस पर पांव रख देती है और वो बोतल टूट जाती है। बस वहीं देखते ही देखते वो गाय आकार में बहुत विशाल हो गई। अपनी गाय को देखकर पिंटू, अरे ये कैसे हो गया, मेरी गाय आकार में इतनी विशाल कैसे हो गई, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, मैं तुरंत इसे घर ले जाता हूँ। इतनी विशाल गाय का ऐसे बाहर रहना ठीक नहीं है, मैं इसे घर ले जाता हूँ। वैसे दूर से पिंटू और उसकी विशाल गाय को मगन नाम का एक आदमी देख रहा था। इस लड़के की गाय कितनी विशाल है, इस गाय को इस लड़के से चुरा कर बेच दूं तो इस गाय का इतना विशाल होने की वजह से मुझे इसके बहुत पैसे मिलेंगे। रात के समय जब सारा गांव सो रहा था तो मगन एक ट्रैक्टर लेकर पिंटू के घर आ गया और वहां खड़ी उस विशाल गाय को अपने ट्रैक्टर पर बांध के चुरा कर ले गया। पिंटू जब सुबह उठा तो उसकी गाय घर पर नहीं थी। मेरी गाय कहां चली गई,
कल तक तो यहाँ थी। मुझे लगता है कोई मेरी गाय को चुरा कर ले गया है। मुझे इसका पुलिस में बताना होगा। पिंटू गाय को गांव में ढूंढ रहा था तो गांव में रेलवे पटरी पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी और वहां पटरी पर एक ट्रैक्टर फंसा हुआ था और उस ट्रैक्टर पर पिंटू की गाय बंधी हुई थी और उस गाय का वजन ज्यादा होने के कारण मगन का ट्रैक्टर उस पटरी पर फंस गया था और वहां ट्रेन के आने का भी समय होने वाला था। पिंटू तुरंत अपनी गाय को बचाने के लिए भागता है। पिंटू अपनी गाय को उस ट्रैक्टर से उतार लेता है। वहीं पुलिस भी पहुंच जाती है और मगन को पकड़ कर ले जाती है।